ऑडियंस में भी और ऑब्वियसली हाँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इरफान लंबे समय से बीमार चल रहे हैं पर्दे से गायब हैं तो ऐसे में जब वो लौटते हैं तो आप इमोशनली भी उनसे जुड़ते हैं बड़े दिग्गज एक्टर हैं तो जाहिर तौर पर उनको देखने का मन करता है और चूंकि 2017 में जब हिंदी मीडियम आई थी तो एक कम बजट की फिल्म जिसने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था और एक कॉन्टेंट के लेवल बहुत अच्छी फिल्म थी तो आपको लगता है कि इरफान की फिल्म है तो कुछ नया देखने को मिलेगा तो जाहिर तौर पर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और अभी जैसा कि आपने बोला कि हिंदी मीडियम आई थी वो भी काफी हिट हुई थी तो फैंस को कहीं ना कहीं उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं जी बिल्कुल फैंस की उम्मीदें बढ़ती हैं और बॉक्स ऑफिस की भी उम्मीदें बढ़ती हैं क्योंकि हम यहाँ बॉक्स ऑफिस प्रोडिक्शन की बात कर रहे हैं तो जब दो में इरफान की हिंदी मीडियम आई थी सबा कमर इसमें उनके साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी और तब उस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ढाई करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और ओवरऑल जो वो फिल्म थी अपने पूरे लाइफ टाइम में उसने तकरीबन तिरसठ करोड़ रुपए कमाए थे तो जाहिर तौर पर वो वाला क्रेज अब चुकी और बढ़ चुका है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म पहली वाली से ज्यादा कमाई करेगी जी आ, एक और बात है स्वप्निल इस फिल्म को लेकर फिल्म काफी हार्ट टचिंग है यानी कि एक बाप और एक बेटी की ऐसी कहानी दिखाई गई है कि एक बेटी को लंदन पढ़ने जाना होता है और एक बाप उसके लिए कुछ भी कर मिटने को तैयार होता है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आ, बिल्कुल को ये कितनी ज्यादा टच करने वाली है ये फिल्म। जी बिल्कुल जो पहली फिल्म थी हिंदी मीडियम आ, दो हजार वाली उसमें एक चीज दिलचस्प है इस हिंदी मीडियम ये जो चल रही है सीरीज या सीक्वल फ्रेंचाइजी जो भी हम कहें कि पिछली वाली फिल्म ये इमोशनल होने के साथ साथ कॉमिक वाला जो एंगल है वो भी रखते है और एक सोशल मैसेज देती है। तो जैसे पिछली फिल्म थी उसमें हमने देखा था कि हिंदी का जो तबका है हमारी सोसाइटी का और अंग्रेजी का जो तबका है उसके बीच का जो अंतर है जो डिसबैलेंस है जो सोसाइटी में है उस पर फोकस थी और उसमें कॉमिक था ह्यूमर था और फिल्म मनोरंजन करने के साथ साथ आपको एक मैसेज भी देती है इस बार जो 2020 में अब होमी अजानिया लेकर आ रहे हैं तो इस फिल्म में उन्होंने शुरुआत से एक बाप बेटी का रिश्ता एक और इमोशनल पहलू रखा है और बड़ा दिलचस्प है कि इरफान को लेकर के फैंस इमोशनल हैं क्योंकि वो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो जाहिर तौर तो पर वो इमोशन और ये इमोशन यानी कि पर्दे

तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि लेजेंड्स कभी कम नहीं करते वो हमेशा oh आपके साथ रहते wow. हैं तो इरफान को समझना होगा जिस तरह की फिल्में उन्होंने की हैं पान सिंह तोमर से लेकर के आज तक hmm. हासिल में तो hmm. आप ऑब्वियसली वो एक लेजेंड हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए और अगर वो आ रहे हैं तो वाकई वो कम नहीं है बस एक गैप था वो पूरा करके फिर वापस आ रहे हैं ओके okay, लेकिन घूम फिर के फिर वही बात आती है कोरोना वायरस की हाँ जी. हमारे इंडस्ट्री पे कितना ज्यादा असर पड़ा है इस बात से आप तो अच्छे से वाकिफ हैं और अब हमारे ऑडियंस भी वाकिफ हो चुकी होंगी जी बिल्कुल कई सारी ऐसी भी भी फिल्में हैं जो रिलीज डेट टल चुकी है है ऐसे में आपको क्या लगता है कि जैसे कि अभी बागी थ्री आई थी उस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आपको क्या लगता है कि इस फिल्म से क्या कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है इस फिल्म का देखिए बॉक्स ऑफिस पर बहुत असर पड़ा है कोरोना का हमें समझना होगा जब हम बागी थ्री की बात कर रहे थे पिछले हफ्ते तो उसका असर दिखा है आप देखिए कि बागी थ्री एक बागी टू से ज़्यादा एक्शन बड़ी भरी फिल्म थी क्रेज ज़्यादा था सब कुछ था लेकिन बावजूद बुधवार तक जो कल तक का कलेक्शन है वो तकरीबन बहत्तर करोड़ का है तो फिल्म उस तरीके का बिजनेस नहीं कर पाई जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स या फिर इवन फैंस दुखद और दिलचस्प ये है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है कोरोना को लेकर के लोगों में डर भय और ज़्यादा बढ़ा, बढ़ा है अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सूर्यवंशी और इवन जो अगली फिल्म आ रही है उन सबके रिलीज डेट्स टलने की बातें हो रही हैं जी, जी जी तो इन सारी फिल्मों की रिलीज डेट को टालने की बातें हो रही है हालांकि अभी तक कोई पुष्ट जानकारी नहीं आई कि टाली जाएगी लेकिन ऐसे किया जाने की सोच रहे हैं वो लोग तो अगर ये सारी चीज़ें हैं और इसका असर साफ तौर पर जब बागी थ्री रिलीज हुई तो थिएटर्स में देखने को मिला है फैंस कम पहुंच रहे हैं क्योंकि जाहिर तौर पर एक मन में डर है लोगों के एक साथ जमा होना तो तमाम ऐसी चीजें वायरस अटैक हाँ तो बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल असर पड़ा है उसका और ग्लोबल लेवल पे तो पड़ा ही पड़ा है जेम्स बॉन्ड तक की फिल्में पोस्टपोन हो गई हैं आज ही खबर आई है कि हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी वाइफ जो है वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं तो समझना होगा और ये डर लोगों में है तो इसका असर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलेगा बिल्कुल देखने को मिलेगा अच्छा आपके हिसाब से क्या कुछ कल कलेक्शन हो सकता है देखिए चूँकि कल शुक्रवार का दिन है और फिल्म रिलीज़ हो रही है तो फर्स्ट डे पे ओपनिंग एक बूम तो मिलती है फिल्म को तो वो चीज़ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ होगी दूसरी ओर जो सिनेमा के जो जो भी दर्शक होते हैं वो हो थोड़े से इंथ्यूजस्टिक भी होते हैं कि यार फिल्म देखने जाना है वीकेंड है तो फिल्म देखने जाना है तो वो चीज़ फ़ायदे में रहेगी और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पिछली फिल्म थी हिंदी मीडियम उसने तकरीबन मैंने बताया कि ढाई करोड़ रुपए का बिज़नेस किया था ओपनिंग डे पर तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि अंग्रेजी मीडियम पाँच करोड़ के आसपास का बिजनेस करेगी ये मैं डबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम से इसका क्रेज़ डबल है इरफान को लेकर के एक थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट फैंस का है क्योंकि वो एक गैप के बाद पर्दे पर आ रहे हैं करीना कपूर फिल्में बहुत अच्छी लग रही हैं और जो एक बाप बेटी का रिश्ता है जो ट्रेलर में दिख रहा है वो हुँ, बहुत हुँ, अच्छा है तो राधिका मदान के साथ इरफान का तो काफ़ी सारी चीजें हैं एक साथ है और फिल्म चलेगी अगर निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं और जिस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं कि फिल्म बहुत अच्छा है तो ऑब्वियसली कंटेंट के लेवल पर फिल्म लोगों को अट्रैक्ट करेगी हाँ कोरोना असर डालेगी कमाई थोड़ी सी कम जरूर होगी पर कितनी कम होगी ये कल जब फिल्म रिलीज होगी हम तभी देख पाएंगे जी स्वप्नल और फिलहाल कल तक का हम भी इंतजार करते हैं उसके बाद ही हम आपको आगे की चीजें बता सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ कलेक्शन होगा अंग्रेजी मीडियम मिट्य। जी और एक और चीज है कि हम ये मानकर चले कि अगर पहले दिन ये फिल्म पांच करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस करती है और अगर वीकेंड तक बीस बाईस करोड़ रुपए कम से कम कमाती है बीस से पच्चीस करोड़ तो फिल्म अच्छी खिच जाएगी आ, लेकिन डिपेंड करते ही कि ये कोरोना कितना असर डालता है क्योंकि बागे थ्री को तो वो वाकई लेकर डूब गई है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि, है कि... उम्मीद नहीं थी लोगों को टाइगर का जो लोगों ने जो क्रेज था।, था वो वाकई लेकिन देखने लायक था जी बिल्कुल हुँ. तो फिलहाल यही है इंतजार करते हैं कल तक का जब फिल्म रिलीज होती है और परसों जब बॉक्स ऑफिस का पहला कलेक्शन आता है तो अंग्रेजी मीडियम कितना कुछ करती है इससे पहले कि हम आपसे विदा लें हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप नब भारत टाइम्स ऑनलाइन पढ़ते रहे हमें ट्विटर फेसबुक और तमाम ऐसी सोशल साइट्स पर फॉलो करें यूट्यूब पर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नबार टाइम्स ऑनलाइन थैंक यू